हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न टेलर स्टूडियो। आज मैं आपको कोट कटिंग की डिटेल बताऊंगा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट मार्क लगाएंगे और मेजरमेंट टेप को रख के 2.5 इंच का एक मार्क देंगे। अब हम लेंथ का मार्क उठाएंगे। लेंथ हमारी है 29.5। बाद हम 1 इंच और उठाएंगे ऊपर से शोल्डर डाउन करने के लिए। अब हम चेस्ट का मार्क लगाएंगे। चेस्ट हमारी है 44, लेकिन हम 42 के बाद से हिसाब ख़त्म हो जाता है, इसलिए 10.5 पर मार्क लगाएंगे और 10.5 पर लगाने के बाद 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। अब हम स्टमक का मार्क उठाएंगे। लेंथ हमारी है 29.5 का हम हाफ़ करेंगे, उसका हाफ होगा 15.5 इंच। 15 में 2 इंच ऐड करके हम निशान लगाएंगे। हम हिप पे 2 इंच का मार्क उठाएंगे, उसके बाद स्टमक पे 2 इंच का मार्क उठाएंगे और चेस्ट पे 1.5 इंच का मार्क उठाएंगे और शोल्डर पे 1 इंच का मार्क उठाएंगे और हिप और कमर का मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद से पट्टी से हम ऊपर की तरफ शेप देंगे। अब हम कॉलर हमारी है 16 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा 3.25 इंच आएगा। तो हम लोग 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे, को शेप दे देंगे। उसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंच। अब हम लोग शोल्डर का मार्क उठाएंगे। शोल्डर हमारा है 18 का हाफ होता है 9 इंच। 9 इंच में 0.5 इंच का और मार्जिन ऐड करके निशान लगाएंगे। के बाद से हम लोग मेजरमेंट टेप को कोर से स्ट्रेट करके नीचे की तरफ 1.25 इंच माइनस कर देंगे। अब हम सेप पट्टी से ऊपर की तरफ शोल्डर में शेप दे देंगे। देने के बाद हम लोग क्रॉस बैक में 0.5 इंच और मार्जिन देंगे सिलाई के लिए। अब हम स्टमक का मार्क उठाएंगे। स्टमक हमारा है 42। 42 में 7 से हम भाग करेंगे तो 7×6=42। हम हिप का मार्क उठाएंगे। स्टमक का मार्क हमने उठाया था, उससे 0.25 इंच हम लोग ज़्यादा लगा देंगे और शेप पट्टी से शेप कर देंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, पार्ट 2 फ्रंट का कटिंग जल्द ही आप लोगों को अपलोड मैं करूँगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कोई भी अगर मिस्टेक होता है तो मुझे बताएँ। दोस्तों, मुझे जितना आता है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों को सही लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।